आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री भक्तमाल में वर्णित भगवान के जो मुख्य 12 भक्त हैं, यानी कि प्रधान जो भक्त हैं, उनकी कथा आज से एक एक करके रोजाना श्रवण करेंगे। त्वमेव माता चविता, त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या दर्विणम, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। वो श्री आनंद कंद भगवान की जय। भक्त जनों, भगवान के ये ऐसे अंतरंग भक्त हैं, ये भगवान के बारे में सब कुछ जानते हैं और इन्हीं के द्वारा भक्ति का प्रचार इस संसार में हुआ है। उनमें से ये सभी 12 भक्त हैं जिनके बारे में हम एक एक करके रोजाना कथा सुनेंगे। राघव जी विधि नारद शंकर सन कादिक, कपिल देव मनुभूप। राघव जी विधि नारद शंकर सन कादिक, कपिल देव मनुभूप। राघव जी नर हरिदास जनक भीष्म बलि, शुक मुनि धर्म स्वरूप। राघव जी नर हरिदास जनक भीष्म बलि, शुक मुनि धर्म स्वरूप। राघव जी अंतरंग अनुचर हरि जूके, जो इनको जस गावे। राघव जी अंतरंग अनुचर हरि जूके, जो इनको जस गावे। राघव जी आदि अंत लो मंगल तिनको, श्रोता भक्ता गावे। राघव जी आदि अंत लो मंगल तिनको, श्रोता भक्ता पावे। राघव जी अजामेल परसंग यह निर्णय, परम धर्म को जान। राघव जी अजामेल परसंग यह निर्णय, परम धर्म को जान। राघव जी इनकी कृपा और पुण्य समझे, द्वादश भक्त प्रधान। राघव जी इनकी कृपा और पुण्य समझे, द्वादश भक्त प्रधान। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री भक्तमाल जी की जय, श्री नाभा जी की जय। भक्तजनों, भगवान के ये जो 12 भक्त हैं, इनमें से एक ऐसे भी भक्त हैं जो धर्म का मार्ग भूल करके संगत के कारण कुमार्ग में चले गए थे। उनका नाम है अजामिल। फिर अंत में एक समय जब इनकी मृत्यु निकट आ गई, यम के दूत आए और जैसे उन्होंने अपने यम फांस में बांधा, तो ये इनके पुत्र का नाम नारायण था, उसको पुकारने लगे।
तो जैसे ही नारायण नारायण करके पुकारा तो भगवान के दूत आ गए और यम के दूतों को भगा करके इनको उन्होंने उस फांस से बचा लिया। तब ये समझ गए कि जब पुत्र का नाम लेने से ही भगवान के पार्षद आ गए तो भगवान का भजन करने से कीर्तन करने से तो साक्षात भगवान पता नहीं क्या कर देंगे, वो तो हमको अपने धाम ही बुला लेंगे। इस प्रकार से भक्त बन गए। भक्त जनों, श्री ब्रह्मा जी, श्री नारद जी, श्री शंकर जी, श्री सनकादि मुनि, श्री कपिल देव जी, श्री धर्मराज जी, श्री मनु जी, श्री प्रहलाद जी, श्री जनक जी, श्री भीष्म जी, श्री बलि जी, महामुनि श्री सुखदेव जी और श्री धर्मराज जी, ये भगवान के 12 भक्त हैं। अब इनकी में से सबसे जो भी इनकी कथा को सुनता है और बोलता है सुनाता है, महामुनि श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि उसके घर में फिर मंगल ही मंगल है, वहाँ अमंगल होने की कोई संभावना नहीं है, वो सर्वदा सुखी रहते हैं। सबसे पहले हम आज ब्रह्मा जी की कथा को सुनेंगे। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व प्रलय काल के जल में डूबा हुआ था। सृष्टि से पहले उस समय एक मात्र नारायण ही शेष नाग की शैया पर उस जल में लेटे हुए थे। सृष्टि काल आने पर भगवान नारायण की नाभि कमल से एक परम प्रकाशमय कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल के ऊपर भगवान ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए। बोल श्री ब्रह्मा जी की जय, बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जब ब्रह्मा जी उस कमल पर उत्पन्न हुए तो वो चारों दिशाओं में देखने लगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उनके चार मुख हो गए। इसलिए कहते हैं चतुरानन, हम लोग गाते हैं ना, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, एक सिर वाले विष्णु भगवान, चार सिर वाले ब्रह्मा जी और पांच वाले शिव शंकर। जब उन्होंने देखा कि चारों तरफ कोई नहीं है, जल ही जल भरा हुआ है, वो सोचने लगे मुझे किसने उत्पन्न किया, मैं कहाँ से आ गया, अब मैं क्या करूं, यहाँ तो चारों तरफ जल ही जल भरा हुआ है, कोई दिखाई नहीं देता। तब उनकी दृष्टि जहाँ से वो कमल नाल से कमल उत्पन्न हुआ था वहाँ पड़ी। वो सोचने लगे चलो जहाँ से कमल उत्पन्न हुआ है उसका जो मूल स्थान है वहाँ पर जा करके देखता हूँ। वो उस कमल नाल को पकड़ के उस जल में प्रवेश कर गए। हजारों वर्षों तक वे उस कमल का जो उद्गम स्थान था जहाँ से वो प्रकट हुआ था, उत्पन्न हुआ था, देखने लगे, परंतु उनको वहाँ भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो तो भगवान की नाभि से निकला हुआ था कमल नाल। भगवान ऐसे खोजने से थोड़ी ना मिलते हैं, भगवान की तो तपस्या करनी पड़ती है। ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए और थक हार के फिर वे आकर के जैसे नीचे गए थे ऐसे ही आकर के उस कमल पर बैठ गए। कमल पर बैठकर सोचने लगे अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा जी आप तपस्या करो। तब ब्रह्मा जी हजार वर्ष तक निरंतर एक ही आसन में बैठ करके भगवान की तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न हो करके भगवान ने उनको दर्शन दिया और अपने धाम में उनको बुला लिया। जब ब्रह्मा जी को अपने धाम में बुलाया तो ब्रह्मा जी उनकी बड़ी अच्छी स्तुति करने लगे। फिर भगवान ने उनको भागवत तत्व जो है, हमारी जो भागवत है, चार श्लोकों में उनके आगे वर्णन किया। तो सबसे पहले
चतुर्थ श्लोकी भागवत को भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया। फिर ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आप अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। भगवान ने कहा कि आप इसमें एक भाव से विश्वास करो इस श्लोकों में, और आप सृष्टि की रचना करो। और साथ ही भगवान ने उनको वेदों का उपदेश भी किया, ज्ञान वेदों का दिया, और साथ में ये आशीर्वाद भी दिया कि आप सृष्टि की रचना करोगे, सारा विश्व आप बनाओगे, मनुष्यों की रचना करोगे, जीव जंतु की रचना करोगे, तो उसके बाद भी आपको मेरे कृपा से, मेरे आशीर्वाद से आपको अहंकार नहीं आएगा, अर्थात गर्व नहीं होगा। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए, और फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का संकल्प लिया और सृष्टि की रचना करने लगे। इस प्रकार से चारों जो वेद हैं वो ब्रह्मा जी के हृदय प्रदेश में निवास करते हैं। इस प्रकार से भक्तजनों ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की भगवान की इच्छा के अनुसार। बोल श्री ब्रह्मा जी की जय। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है।